जॉनी को लेके आ गए बीच में, क्रॉन्टन को बोला, ऑर्गेनाइजेशन को बोला, बहुत कुछ बोला है। मतलब मेरे बारे में कोई, मेरे बारे में अच्छा बोला, पता नहीं कैसे, बट नहीं भी बोलते तो भी ठीक था। इसने किसने स्टार्ट करी? उन्होंने स्टार्ट करी, ठीक है। तेरे से ज्यादा कमाता हूँ भड़वे, अरे तो भी 100 रुपए का सुपर चैट मार रहा है, ठीक। पहली चीज उन लोग ने ये चीज स्टार्ट करी, और मतलब उन्होंने खुद ही बोला, कल आके गोल्डी ने खुद बोला कि मतलब क्रॉन्टन, पहली बात तो क्रॉन्टन क्रॉन्टन भी हक दिया, क्रॉन्टन को नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। क्रॉन्टन खुद आके कल स्ट्रीम पे बोला कि क्रॉन्टन को ऐसा डेड प्लेयर वेड प्लेयर नहीं बोलना चाहिए था, बट उसने वो चीज बोल दी, ठीक है। तो अभी ये चीज आपस में भी सॉल्व हो सकती थी, ठीक है। फिर वो आए, वो आके लाइव स्ट्रीम पे बोल दिए, कल जो भी बोला उसने गोल्डी ने, मेरे को वो नहीं कि गोल्डी ने बोला, ठीक है। अभी गोल्डी के साथ और दो लोग बैठे, कौन, ठीक है, थे और दो लोग, दो तीन लोग, उसमें से एक रहेगा था और एक, कौन कौन है वो, एक फॉर्मर सी, एक बैक फॉर्मर सी था और मांबा था, ठीक है। ये मतलब क्या बैकग्राउंड में क्या बोल रहा है सब बीच बीच में? मैं बोल रहा है तेरे को कि तू आ, खुद का के लाइव स्ट्रीम कर, खुद के स्ट्रीम पे बोल दे, ये क्या है? तो गोल्डी है ना, मर्सी मर्सी था, तो मैं बोल रहा है तू आ देख, अब जब वॉचिंग सबको मिल ही रही है तो तू भी ले ले थोड़ी, अगर तेरे को नहीं चाहिए तो। क्या है डिस्कॉर्ड पे आके बैकग्राउंड में तो थोड़ा म्यूजिक दे रहा है, थोड़ा ट्यून दे रहा है, थोड़ा ये बोल रहा है, थोड़ा वो बोल रहा है, क्या सीन है ब्रो तेरा? नहीं चाहिए, रख लो तुम्हारा जॉनी, ये खुद ही पूरा रायता फैला दो, फिर उसके बाद ये ही बोल दो कि नहीं मेरे को वो लेवल पे नहीं गिरना। मतलब हक दिया है मैसेज करते हैं कि नहीं मत, अभी मतलब कैसा होता है उनका पता है, कि पहले आएंगे स्ट्रीम पे बोल देंगे बहुत कुछ, फिर बाद में जब उनको पता चलेगा कि अब हम भी कुछ बोलने वाले, तभी आपस में सॉर्ट कर लेते हैं, इतना नहीं करने की जरूरत, ये नहीं करने की जरूरत। इसके पहले मेरा कंट्रोवर्सी हुआ था बहुत पहले पायल के साथ, कि मैंने बोल दिया था जो भी बोल दिया था उसको, ठीक है, पायल को, फिर आउट ऑफ नोवेयर गोल्डी आ गया, चल ठीक है स्टैंड ले रहा, गोल्डी आके स्टैंड ले लिया, ठीक है। गोल्डी आके बोल दिया कि जो भी पायल के बारे में बोला है उसने स्टैंड वैंड लिया, तो अब उसने मेरे को डिफेम कर दिया गोल्डी ने, तो मेरे को ये कर दिया कि मैं मतलब मेरा कैरेक्टर वैरेक्टर पे जो लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकता, ये वो, ठीक है, बीच में आ रहा है बड़ बच्च, तो ठीक है, तो वो सब बोल दिया। अब मेरे को आ गया गुस्सा, अब मैंने बोला अब तो मैं भी जाऊंगा लाइव, ठीक है। तो ये चीज होने के बाद फिर उनका बातचीत होता है, गोल्डी का बातचीत होता है घातक से, बोलते हैं कि नियो को बोल दो कि मेरे को पता नहीं था, ये नहीं हूँ, मेरा भाई है, ये है वो है, लाइव नहीं। अब मैं बोला अच्छा, मेरी तो मार के रख दी लाइव पे पूरी मेरी तो पूरी मार दी, अब मैं लाइव जाने को आ रहा हूँ तो बोल रहे कि लाइव नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैंने बोला मैं तो जाऊंगा, मैं तो करूंगा लाइव भाई, मतलब तुम तुम्हारे ऑडियंस को बोल दिए कि हम ऐसे है वैसे है। सुपर चैट देखो, अभी ई स्पोर्ट्स का अपन बात नहीं करते, फिर वो बोल देंगे रियल लाइफ में किसकी कितनी औकात है, किसने कितना पैसा कमाया। मैंने एक बार कंट्रोवर्सी मेरा स्काउट के साथ भी हुआ था, मैंने बोल देखो रियल लाइफ में स्काउट ने बहुत पैसे कमाए, ऑब्वियसली मेरे से बहुत ज्यादा पैसे कमाए, वो वेल सेटल्ड है, उसने अपने लाइफ में बिजनेस भी खोले रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करे रहेंगे बहुत जगह पे, बहुत बहुत कुछ के फ्यूचर प्लानिंग्स रहेंगे जो भी करना है, तो उधर अपन बहुत पीछे है, रियल लाइफ को लेके मैं कुछ बोल नहीं सकता। जब बात गेम पे आती थी, ठीक है, कि मतलब किसका टीम परफॉर्म कर रहा है बहुत पहले जो ये वो, तब हम गेम को लेके गेम का ही बोलते थे, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये सब चीजें पैसा, ये मेरे क्रिएटर्स आए, मेरे वो आए, अब वो सब चीजें छोड़ो, तो फिर खुद ही बोले कल अपने स्ट्रीम पे कि हाँ थकने डालो बैंटर के लिए, ठीक है। तो हमने बोला बैंटर करना है, हमने कुछ बोला। अब मैं कल एक ट्वीट देख रहा,
जिसमें बोल रहा है कि प्रमोशन करवाना है, करवा दूंगा, मेरा क्रेट ओपनिंग करा दो 10-15 हजार का, ठगने डाला, ठीक है, तो ट्वीट करा वो चीज का। कौन करता है ये सब? कितना टाइम हो गया गाइस, कितना टाइम हो गया कि हम में से कोई जाके मतलब गेम करेगा ऐसे इरिलेवेंट, मतलब गेम के बाहर का, ये क्रेट ओपनिंग हो गया ये, हम कभी उनके बारे में कुछ बोले भी है ये चीज? तुमको लगता है ठीक है, अगर थोड़ा अक्कल लगाओ, अगर हर बार हम ही कंट्रोवर्सी करते हैं, हमारा फैन बेस रहता, हमारे फैन बेस को दिखता नहीं कि हर बार हम ही उंगली कर रहे हैं? क्या ताली एक हाथ से बचती है? दोनों साइड से होता है ना, दोनों साइड से होता है। अब ये वॉचिंग है मेरी 34,000, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पता है ये सिर्फ कंट्रोवर्सी हो रहा है, बैंटर हो रहा है, जो भी इसको नाम दे दो, ये लोग सिर्फ वो देखने को आए। 34,000 में से 10,000 तो न्यूज चैनल वाले लोग बैठे रहेंगे, अपने दोस्त लोग लगा दे रहेंगे कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए वो, मेरे को पता है। अभी मैं नॉर्मल गेम का लाइव स्ट्रीम करता, मेरे को 10,000 की वॉचिंग आती, धीरे धीरे वो होके 5-6 हजार की वॉचिंग हो जाती, ठीक है। तो ऐसा नहीं ना कि अभी ये मेरे को 34,000 का वॉचिंग आ रहा, मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, तो मेरा वो भी करे, 50,000 की वॉचिंग आई कि नहीं, कितने की आ रही थी? 50-50 का 1,000, वो भी कितने लोग बैठे थे? 5 लोग, 5 लोग, और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है एक बंदा बैठ के कि आया हूँ। अरे मुंह के सामने आता तो बोल देना फिर वो सब चीजें। अभी ये बैक फॉर मर्सी भाई अपने, वो दिन मिले क्लब में, किस दिन? ये सब होने के पहले, क्रॉन्टन के लाइव जाने के एक दिन पहले क्लब में मिला, खड़ा है, बोल दे, अगर तेरे मन में इतना भड़ास है तुम मिला है मुंह के सामने, बोल दे वो चीज, खत्म कर, बोल के खत्म कर। तभी क्यों नहीं बोलते भाई तुम? दिख गया सामने सामने खड़ा है, बोल देना, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे खड़ा है, बोल क्या बोलना है? हर बार जाएंगे फिर पब्लिक को मैनिपुलेट कर देंगे कि ये कि वो, फिर ऐसा दिखा देंगे, बस लास्ट में 2 लाइन बोल देंगे कि हमें गंदगी में नहीं पड़ना। अबे #7 क्या स्पैम कर रहे हो? अबे तुम लोग का #12 है बे, #12, ठीक है। अभी मत मुंह खुलाओ, मत बोलने लगाओ, जो पहले की ऑडियंस है ना, ठीक है, पता है अपना 7 है ना, 7 में और 5 जोड़ देंगे ना, 12 नंबर बहुत आइकॉनिक है, ठीक है, 12 नंबर बहुत आइकॉनिक है, 12 को रिप्रेजेंट करते हो बे, जैसे हम 7 को करते ना, तुम 12 को रिप्रेजेंट करते हो। और ये पहले के जो पब्लिक है ना, जो पहले से उनको बहुत पता है कि 12 किसका है। अबे 13, अब और एक बात, अबे चलने दो फिर, एक 7-12 बताएंगे ना किसका। अबे 13 के नीचे, अबे रुक जा, अबे 13 के नीचे भी एक है, 13 के नीचे भी एक है, समझा? 7-7, #12 भी है, #12 भी है, तो इतना मत करो, मत करो। हो गया हो गया हो गया हो गया #7। अबे #12 3 से 4 बार आए हो बे, 3 से 4 बार, समझे? 3 से 4 बार #12 आए हो, जो हम लोग 4 इंटरनेशनल खेले ना, 3 बार टॉप 5 है, उसमें से 1 बार 13 था, तीन हो गए, 3 बार 12 नहीं आए, समझे? तो रहन दो वो चीज के बारे में, तो मत ही बात करो, वो चीज को थोड़ा साइड में ही रख दो चीचा, अभी अलग टॉपिक पे बात चल रहा है। 1 बार 13 ताने और 3-4 बार 12 ताने में ना ऐसे जमीन आसमान का फर्क है, वो कंसिस्टेंसी है अबे। बट ये मत बोलो, अगर पास्ट का बताएंगे ना, फिर जैसे कल एक आ गया था डायरेक्ट ऐसे ऐसे दिखा दिए थे, ये देखो पास्ट में ये, तो चीचा वैसे पास्ट में ना तुम लोग के और का ना, जो जो करेंटली सबसे फेमस ई स्पोर्ट्स प्लेयर है ना, जाओ खोलो उसका यूट्यूब, जो फेमस वीडियो है ना उसके, जो मोस्ट वॉच्ड वीडियो है, जिसपे सबसे ज्यादा उसको व्यूज है, जाके देख ले किसका नाम है उस पे, ठीक है? ये जो तुम देख लो किसका नाम है, देख लो, क्या पता मैं दिखा दूंगा फिर मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे, बोलेंगे मैं आके वीडियो ही उड़ा दो चिचिया डायरे। जोनाथन हैकर फॉर ए रीजन, फिर आके दिखाते कि पहले ये टैग में करा, वो टैग में करा, अरे पहले तो खेलते भी थे साथ में,
ऐसा तो ऐसा कभी गाइस ऐसा जिंदगी में हुआ है कि साथ में खेले नहीं हो तो भी अपन जाके कमेंट में लिखते हैं, कमेंट में कमेंट करते हैं। तुम्हारा जो सबसे फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर है ना जो अभी करेंटली है, वो कमेंट भी करने का जाके जॉनी के फोटोज पे मॉन्टाजेस में कि ये वो, फिर और एक अबे नाम ले लेना मेरे को, फिर वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। अभी जो बंदे है नहीं ना यहाँ पे मेरे को उनको नहीं इन्वॉल्व करने का। अब तुम मेरे को बता जॉनी का टॉपिक कहाँ से आया? जॉनी है इन्वॉल्व ये सब में किधर से भी? बात किसकी चल रही थी? मॉर्टल की और क्रॉन्टन की, ठीक है। आ गोल्डी बीच में गया, सही बात है। तब तक मैं भी नहीं आया जब तक ये सब चीज़ हुआ ना, और कोई आया। आ गोल्डी बीच में गया, गोल्डी आने के बाद किसको बीच में लाया? जॉनी को। जॉनी कुछ बोलता है कभी तुम लोग को? जॉनी कभी आज तक आके तुम लोग को ये चीज़ बोला है कि ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, या कभी वो? हर बार जॉनी का नाम कैसे आता है बताओ? मतलब तुम इनडायरेक्टली पब्लिक को क्या दिखा रहे हो? तुम इनडायरेक्टली पब्लिक को यही दिखा है कि आज जो जॉनी को उठाने में तुम लोग का हाथ है, उसमें भी तुम लोग का हाथ है, उसमें भी उसका हाथ है। अबे जॉनी जो है ना आज के टाइम पे, ठीक है, जॉनी जो बना है ना, वो तुम उसको सपोर्ट करते नहीं करते? जॉनी कभी आके बोले है कि मेरे को ये करा दो, मेरे को वो? अगर तुम उसको सपोर्ट करते नहीं करते तो भी वो आज जो लेवल पे ना वो लेवल पे रहता? क्योंकि वो इतने साल से बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया है, वो बेचारे ने ना आज तक कभी एक कॉन्ट्रोवर्सी करा है, ना आज तक कुछ करते हुए पकड़ा गया है, ना कोई चीज किसी को गलत बोल दी हो। हर बार उसको करते हो टारगेट, हर बार हर बार। क्या हो जाएगा अगर वो अपने ऑडियंस को जाके बोल देगा ये सब चीजें कि जाओ गाइस खुला छूट देता हूँ? तुम तो बोल दोगे हिट प्रमोट करता हूँ। अभी इनडायरेक्टली अगर ऐसा बोल दिया तो जाके कि गाइस मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ और मेरे को पता है तुम लोग मेरे को सपोर्ट करोगे और उनको हेट दोगे, बट मैं हेट प्रमोट नहीं करता, ऐसा बोल के भी तुम हेट डाल देते हो ना अपने ऑडियंस के दिमाग में, वो ये चीज भी करता है? नहीं करता। और तुमको एक चीज सही बताएगा, ठीक है, ये लोग अभी जिस दिन थगने स्टोरी डाली, वो बोल रहे जिस दिन बैंटर हुआ उसके जस्ट एक दिन पहले, ठीक है, उसके जस्ट एक दिन पहले हम लोग गए थे एक जगह पे, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में गए थे, तो वहाँ पे थक भी आया था, ठीक है, और भी लोग आए थे, तो फिर ऐसा हो गया कि उन्होंने मतलब ऐसे बातचीत के लिए बुलाया, ठीक है, अपन सब थे भाई, हम लोग, मेरी माँ की कसम, हम लोग के मन में एक ना, मेरे मन में ना किसी का ऐसा कुछ नहीं था भाई, आए चिल कर रहे सब लोग, एकदम अच्छे से चिल कर रहे, माहौल है, हम लोग गए अच्छे से बात बात करे, ठीक है, जॉनी था, मैं, क्रॉन्टन था, क्लच गॉड था, निक्सन था, जी गॉड थे, सब थे, सब अच्छे से बात किए, ठीक है। ये सिर्फ ये मतलब थक ने मेरे से बोला कि यार अपन, और वो सही बात बोली, ठीक है, उसने ये चीज बोला कि अपन ऑडियंस की वजह से डिवाइडेड है, तेरा अलग, तुम लोग गॉडले का अलग फैन बेस है, अपना अलग फैन बेस है, ठीक है, इसके लिए अपन डिवाइडेड है, बाकी रियल लाइफ में देखो ना यार कितने अच्छे से रहते हैं, ऐसे अच्छे से रहते हैं ना। और वो चीज़ सही थी, उसे जो चीज़ बोली सही थी, ठीक है, मैं बोला यार सही यार बंदा। और मैं आई गेस तभी बहुत टाइम बाद में थक से रियल लाइफ में बात कर रहे, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में एक दो बार कर रहा डायरेक्ट वो टाइम पे, ठीक है, मतलब वैसे स्ट्रीमिंग पे हुआ रहेगा कभी, बट ऐसे रियल लाइफ में। तो मैं बोला यार सही है, मतलब चिल है बंदा भी भाई। उसके नेक्स्ट दिन ही स्टोरी डल गई, वो बैंटर वाली जो बोला, जो खुद कोहली ने बोला अपने मुंह से। तो अब मेरे को बता ये चीज सही है कि क्या है ये चीज? और जब ये कंट्रोवर्सी हुआ उसके नेक्स्ट दिन भी अपन मिले, ठीक है, वहां पे ही वही जगह पे रैंडमली ऐसे, तो तभी भी उस मतलब उसने कहा ये चीज कि उसको बुरा लगा, ये लगा, बट उसने तभी भी कुछ नहीं बोला। और तभी वो बताया वो बैक फार्मेसी भी था, उसको अगर इतना बुरा लगा बोल दे मेरे को आके क्या चीज़ का तेरे को बुरा लगा, तभी नहीं बोला। उनका ऐसा डायरेक्ट जाए जो है ऑडियंस के सामने, फिर ऑडियंस के सामने कर दिया, फिर उसके बाद उनका ऐसा हो गया कि छोड़ो अभी स्ट्रीम प्राइवेट कर देता हूँ, ये नहीं करना वो नहीं करना, अब इस कॉन्ट्रोवर्सी को आगे नहीं बढ़ाते और प्राइवेट में सॉल्व करना मैटर। अरे क्यों? पूरी माँ बहन एक कर दी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत सलत बोल दिया भाई,
बोला था मॉडल के बारे में इसने। अब इस स्क्रिप्ट जाके पूछ लो, ठीक है। अब उसने मॉर्टल के बारे में बोला क्रॉन्टन ने, तो तू आके क्रॉन्टन के बारे में बोल। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आ गया? तेरे और के भी बंदे आके बोलते हैं कि आपस में इतना पॉलिटिक्स चलता है, इतने पैसे कट करते, इतना परसेंट रखते हमारे ब्रांड डील्स का, इतना मेरे को पैसा आना था, इतना पैसा नहीं आया। और एक बंदा नहीं आके बोलते, 3-4 बंदे आके बोलते। अकेले अकेले में कॉल आता है, प्राइवेट कॉल आता है, ठीक है। अकेले में मीटिंग करने बोलते हैं कि ये बात करनी, वो बात करनी, ये मेरे बारे में, खुद के ऑर्ग में, खुद के ऑर्ग में। तो तुम हमको आके बोल रहे कि हमारे ऑर्ग के बंदे आके तुम्हारे पास आके बोल रहे हैं एज अ सीसी ले लो, जो ले लो, ठीक है। तो तू खुद के भी तो ऑर्ग में देख। कल फपल गया, ठीक है, कल पूरा ऐसा फपल गया जब बोला कि रेगल्टॉस ने मीटिंग कराई थी दिल्ली में, अपने मामा को लेके आया था। रेगल्टॉस बोल रहा था मेरे को टीम में आना है, मेरे को ये आना है, वो आना है। पूछना अगर उसमें, अगर वो चीज़ गोल्डी को भी पता है कि वो आया था बात करने, बट वो कैसे बोले हाँ बोल दिया रहेगा अगर, तो जो तुम लोग आपस में ही तो इतना लफड़े, बट वो क्या है, पब्लिक के सामने तुमको दिखा के रखना पड़ता है। अपना ऐसा नहीं है, अपन है सही में फैमिली है, और हम लोग नहीं किसी के बारे में, एक बार बस बोल देना कि हम लोग ने इसकी बुराई कर दी, उसकी बुराई कर दी। तुम पूरा ऑर्ग का बता रहे हो, ये वो, इनकी ऑर्ग ऐसी है, उनकी ऑर्ग वैसी है। भाई तुम लोग भी तो कितना करते हो, तुम इनडायरेक्टली हेड प्रमोट करते हो। हम जो है हम नहीं इतना कर पाते, हम जो है डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं, हम इतना दिमाग नहीं लगाते कि ऑडियंस के सामने कैसा बात करना है, कैसा नहीं बात करना है। हम लोग को जो मन में रहता है हम लोग बोल देते हैं, और पास्ट में हम लोग ने कितने बार ऐसे मुंह पे बोल दिया तो हम लोग गलत दिख गए, तुम लोग सेंसिबली बोल दिया तो तुम लोग सही दिख गए। अभी ये जो 100-100 रुपए दे के हेड दे रहे हैं, ये तुम्हारे अकाउंट में भी वही डिपॉजिट कराते रहेंगे ना, किलो माँ की आज का बजट 1,000 रुपये, 5 लोग बांट लो, 100-100, 200-200 बांट लो सब, माँ की सुपर चाटा पे दे हेड। इससे अच्छा मैं 2,000 तेरे को दे दूँ और तेरे को मेरा फैन बना के इधर भिजवा दूँ।